ये भाई साहब चीज कुछ तो अजीब सा कोई चीज है, पता नहीं दूसरी दुनिया का कोई ताकत है लग रहा है। ऊपर तो कुछ तो कर रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ तो सूंघ रहा है डायनासोर। भाई साहब बहुत ही भयंकर लग रहा है ये तो। यहाँ पे एक एग्जिट मिल गया और यहाँ पे ड्राइवर साहब पूरी तरह से एकदम तेजी से आगे भागा रहा है और डायनासोर भी हमारे पीछे पीछे आ रहा है, यहाँ पे अटैक भी हो रहा है। ऐसा लगा जैसे कि वो डायनासोर पार्क में वापस आ गया है। फिर उसको जाना पहचाना आवाज उसे सुनाई दिया। तो आज हमारा भाई फ्रैंकलिन जाएगा डायनासोर पार्क की सवारी में। तो फ्रैंकलिन अभी अपने साइकिल में जाएगा और अभी फ्रैंकलिन बस की तरफ चले जाएगा और फिर उसी बस में हम एक्सप्लोर करेंगे डायनासोर पार्क। तो यहाँ पे फ्रैंकलिन अपने दोस्तों के घरों की तरफ से निकल रहा है और सबको बाय बाय कह रहा है। तो यहाँ से दोस्तों अभी फ्रैंकलिन लेफ्ट लेके जाएगा और यहाँ पे स्किड हो गया है थोड़ा बाइक, पर कोई बात नहीं दोस्तों, फ्रैंकलिन पूरे अपने साइकिल के कंट्रोल पे। तो यहाँ से अभी फ्रैंकलिन बहुत धीरे से रोड को क्रॉस करेगा आजू बाजू देख के, क्योंकि भैया कल ही टीचर ने इनको बताया कि बहुत धीरे से रोड क्रॉस करना है। तो अभी फ्रैंकलिन बहुत तेजी से आगे जा रहा है, नहीं तो अगर फ्रैंकलिन लेट होगा तो बस पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी फ्रैंकलिन अपना साइकिल को रोक लेगा और यहाँ पे अभी फ्रैंकलिन अपने बस के लिए वेट करेगा। तो यहाँ पर अभी बस थोड़ी देर में आते ही रहेगा। तो यहाँ पे अभी फ्रैंकलिन उतर गया है, तो चलिए बस के लिए वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमारा बस आ गया है, तो अभी हम बस के अंदर चले जाएंगे और सीधा जाते हैं डायनासोर पार्क। तो अभी फ्रैंकलिन बहुत ही खुश है क्योंकि बस हमारा चालू हो गया और बस सीधा अभी डायनासोर पार्क के अंदर चले जाएगा। पर दोस्तों फ्रैंकलिन को बहुत अचानक से बहुत घबराहट हो रहा है, क्योंकि अगर कोई डायनासोर हमें अटैक करेगा तो क्या फिर हम बस के अंदर बहुत सेफ रहेंगे। तो फिर फ्रैंकलिन ने हमारे बस वाले इंचार्ज से पूछा, तो बस वाले ने बताया फ्रैंकलिन डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बस डायनासोर प्रूफ है, मतलब कोई डायनासोर इसको अटैक नहीं कर सकता है, बहुत ही स्ट्रांग है। और दोस्तों यहाँ पे फाइनली हम एंटर कर रहे हैं, तो ये रहा फ्रैंकलिन के लिए हमारा डायनासोर पार्क। तो फ्रैंकलिन अभी बहुत ही खुशी से नाच रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी उसे डायनासोर देखने मिलेगा, पर डायनासोर बहुत अंदर है तो अंदर जाना पड़ेगा। तो चलिए अभी हम वेट कर रहे, देखते पहला वाला कौन सा डायनासोर हमें दिखने मिलता है। थोड़े अंदर जाने के बाद हमें फाइनली यहाँ पे वेलोसिराप्टर का झुंड दिखने मिला और यहाँ पे फ्रैंकलिन देख सकता कितने सारे वेलोसिराप्टर। तो ये रहा हमारा पहला वाला डायनासोर। तो अभी हमारा कंडक्टर बहुत धीरे से आगे आगे लेके जाएगा ताकि डायनासोर हमें अटैक ना करे और हम बहुत क्लोजली इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे कंडक्टर ने बहुत पास में लेके आया डायनासोर के और यहाँ पे हम डायनासोर कितने क्लोजली देख सकते हैं। ओ भाई साहब, और कोई भी डायनासोर हमें अटैक नहीं कर रहा है। यहाँ पर हमारे कंडक्टर ने बहुत धीरे धीरे से डायनासोर के झुंड के बाजू में से लेके गया है। तो यहाँ पे फ्रैंकलिन को डायनासोर पे हाथ लगाने का बहुत मन कर रहा है, पर यहाँ पे कंडक्टर ने साफ साफ मना किया कि हाथ लगाओगे तो हाथ ही गायब हो जाएगा। तो अभी हमारा बस ड्राइवर अगले डायनासोर की तरफ लेके जा रहा है, तो चलिए देखते अभी अगला डायनासोर कौन सा आता है। तो अभी हमारे बस ड्राइवर ने डायनासोर के झुंड की तरफ लेके गया और ये वाला बहुत ही खतरनाक लग रहा है। तो फ्रैंकलिन और फ्रैंकलिन के साथ बाकी लोग अभी बहुत ही डरे हुए क्योंकि इतने बड़े डायनासोर वो भी इतने पास में कभी इसके पहले देखा नहीं किसी ने, और ये वाला तो थोड़ा खतरनाक लग रहा है। तो ड्राइवर साहब हमारे बहुत ही धीरे से लेके जा रहा है ताकि हमें अटैक ना करे, और अगर अटैक करेगा भी तो यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारा बस डायनासोर प्रूफ है। तो ये सामने वाला डायनासोर बहुत ही पास आ गया। अरे भाई यहाँ पे तो ये तो क्लोज एनकाउंटर था। अरे पीछे भी आ रहा है धीरे धीरे। अरे साहब, अरे सच में पीछे, अरे लग गया इधर। फ्रैंकलिन ने जोर से चिल्लाया, अरे क्या करो बस वाले। तो बस वाले ने बताया सॉरी भाई साहब, गलती हो गया। पर कोई बात नहीं दोस्तों, फ्रैंकलिन को कुछ ज्यादा चोट लगा नहीं। अभी बस वाले ने बताया करने की कोई बात नहीं, अभी दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा, तो आराम से आप ट्रिप को एंजॉय कर लेना। तो ये वाला अरे फिर से लग गया। तो इस बार फ्रैंकलिन ने दोबारा हमारे ड्राइवर से पूछा कि क्या ऐसा क्यों हो रहा है। तो ड्राइवर साहब ने अभी बताया कि डरने की कोई बात नहीं, ये ऐसा होते रहता है ट्रिप में, तो जब तक आप बस के अंदर है आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे अभी हम ये वाला डायनासोर बहुत ही नजदीक में आ गया। अरे भाई फिर से यहाँ पे अटैक हो रहा है लग रहा है। भाई ये डायनासोर तो बहुत ही नजदीक में आ गया और पूरे बस को एक साथ। अरे भाई तो अंदर सभी जन डरे हुए। तो फिर से ड्राइवर ने बताया कि डरने की कोई बात नहीं है और देख सकते बस को कुछ हुआ ही नहीं है। और भाई फ्रैंकलिन तो पूरा खुशी से नाच रहा है क्योंकि अभी तो डायनासोर इतने पास में आ गया है। तो अभी हमारा बस ड्राइवर अभी अगले डायनासोर की तरफ लेके जा रहा है, तो देखते अगले डायनासोर कौन सा है। तो दोस्तों अगला वाला डायनासोर ये बड़ा वाला डायनासोर है और यहाँ पे देख सकते कितने सारे बड़े डायनासोर है। तो हमारा ड्राइवर अभी बहुत ही धीरे से डायनासोर के सामने ऐसे लेके जा रहा है, और अगर ये वाले डायनासोर के पास में गया तो बस का उल्टा होने का चांस बहुत हाई है। तो यहाँ पे अभी डायनासोर पास में आ रहा है। अरे ये तो बहुत ही पास है यार। अरे लग गया इधर फिर से, ये बहुत ही खतरनाक। अरे फिर लग गया। अरे भाई क्या हो रहा है।
ये तो पहले वाले से बहुत ही खतरनाक है और अंदर सभी जन डर गए, पर हमारा ड्राइवर बहुत ही शांति से बस को बहुत धीरे से चला रहा है। तो सामने से एक डायनासोर बहुत पास में आ रहा था, फ्रैंकलिन ने बताया कि ड्राइवर को आगे लेके जाने के लिए, और यहाँ पे ड्राइवर आगे लेके गया तो भी थोड़ा लग गया। तो इस बस में आप इसी तरह एक्सप्लोर करते हैं डायनासोर पार्क में डायनासोर को। यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा सीन है, ऐसा लग रहा है सभी डायनासोर अपने काम में सब मजे में है। तो दोस्तों अभी हम जाएंगे अगले डायनासोर की तरफ, वो है टायरानोसॉरस रेक्स। जैसे कि हम अगले डायनासोर की तरफ चले जा रहे थे, हमने एक बहुत अजीब सा आवाज सुनाई दिया और ऐसा लग रहा था कि कोई तो हमारे पीछा कर रहा है, और यहाँ पे कोई दूसरा डायनासोर हमें अटैक करने आ रहा है। अरे भाई, ये तो हमारी गाड़ी के सामने आ गया, पूरा ब्लॉक कर रहा है। और भाई इस बार डायनासोर हमें अटैक भी कर रहा है। अरे इस क्या करे यार, इस बार ड्राइवर साहब भी पूरा डर गया है, फ्रैंकलिन भी पूरी तरह से डरा हुआ है और सोच रहा है कि इस बार ट्रिप में आए क्यों नहीं, अरे भाई अभी इससे बचे कैसे है। पर ड्राइवर साहब ने यहाँ पे कोई आइडिया निकाला, अरे भाई और भी घसीट रहा है गाड़ी, पर शायद से गाड़ी हमारा स्ट्रांग, अरे ये तो सीधा उछाल के रख दिया। ओ भाई साहब, ये तो बहुत खतरनाक ट्रिप हो गया यार, और हमारा गाड़ी भी एक साइड से पूरी तरह अटक गया है, तो यहाँ से अभी कैसे निकले दोस्तों। ड्राइवर साहब भी पूरा कंफ्यूजन में है, पर शुक्र है अचानक से हमारा गाड़ी यहाँ पे सीधा हो गया और फिर एक साइड अटक गया, और इस बार ड्राइवर साहब रिवर्स में पूरा इसको लेके जा रहे। अरे हमारा दोस्त भी आ गया हमें बचाने के लिए, पर ये डायनासोर तो बहुत ही तेज है यार, इसको रिवर्स में यहाँ से करना पड़ेगा। तो हमारा ड्राइवर साहब देख सकते हैं कैसा ड्राइव कर रहा है, फ्रैंकलिन भी सभी लोग डर गए, और यहाँ पे अटैक भी हो रहा है हमारे। अरे भाई उछाल के रख दिया, सभी स्कूल वाले सभी डर गए और बहुत जन को चोट भी आ गया, पर क्या करें दोस्तों, ये ट्रिप ही ऐसा है, हम डायनासोर के बीच में हम गाड़ी चला रहे। पर शुक्र है बस अभी भी स्ट्रांग है, तो यहाँ पे एक एग्जिट मिल गया, और यहाँ पे ड्राइवर साहब पूरी तरह से एकदम तेजी से आगे भागा रहा है, और डायनासोर भी हमारे पीछे पीछे आ रहा है, यहाँ पे अटैक भी हो रहा है। ओ भाई, तो चलिए ऐसा अगर हम निकल गए डायनासोर से, तो बहुत तेजी से आगे भागा रहा है। तो थोड़ी देर के बाद आगे भगाने पे आप देख सकते हैं डायनासोर हमारे पीछा नहीं कर रहा है, तो बार बार बच गए। तो हमारा ड्राइवर साहब ने अगले लोकेशन की तरफ लेके गया, और ये है टायरानोसॉरस रेक्स का पूरा ग्रुप है यहाँ पे, और ये वाला भी बहुत ही खतरनाक है, और ड्राइवर साहब यहाँ पे बहुत धीरे से चला रहा है क्योंकि लास्ट टाइम पे यहाँ पे डायनासोर का अटैक हो गया था। तो फिलहाल यहाँ पे कोई डायनासोर हमें अटैक नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे बहुत ही शांति है, तो सभी जन बहुत शांति से पूरा एंजॉय कर रहे ट्रिप पर। ये क्या हो गया, सामने वाला डायनासोर और एक हमें अटैक करने आ रहा है, अरे भाई इस बार तो भगाना पड़ेगा यार, इसके सामने रुकेगा तो ऐसा नहीं चलेगा, भाई ये पीछे ही चले जा रहा है। अरे भाई तू निकल, अरे यहाँ पे फिर अटैक हो रहा है हमारे साथ दोस्तों, पर ये वाला डायनासोर थोड़ा स्लो है, पर इससे निकलना होगा हमें। अरे भाई ये डायनासोर तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। तो दोस्तों लगता है ये वाला ट्रिप पूरा फ्लॉप हो गया है, क्योंकि यहाँ पे डायनासोर हमें बहुत ही अटैक कर रहा है। तो फ्रैंकलिन ने बहुत जोर से चिल्लाया कि चलो ड्राइवर हमें यहाँ से बाहर निकाल दो, पर ड्राइवर साहब भी पूरा जोश में आ गया और यहाँ पे बाहर निकालने को बहुत ही ट्राई कर, पर यहाँ पे हमारे साथ फिर से अटैक हो रहा है डायनासोर का, और यहाँ पे पूरी तरह से हमें डैमेज करने को ट्राई कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा बस फिर से एक साइड पे पूरा अटक गया है। तो अभी फ्रैंकलिन को अपने घर वालों का बहुत ही याद आ रहा है अभी, क्या अभी घर वापस जाएंगे कि नहीं, क्योंकि हमारा बस तो अटक गया है यहाँ पे, और डायनासोर तो हमें जाने का नामो निशान नहीं छोड़ रहा है। पर यहाँ पे हमें एक मौका मिल गया, और हमने कैसे तो करके हमने डायनासोर से पीछा छुड़ा दिया, तो इस बार तो हम कुछ भी करके किसी डायनासोर के सामने नहीं जाएंगे, सीधा भगाएंगे। तो ड्राइवर साहब ने यहाँ पे पूरा रिवर्स मार दिया और पूरा एक साथ एक्सेलरेट करके यहाँ से भगा रहा है। तो फाइनली आ गया, आप देख सकते हैं कुछ डायनासोर नहीं आ रहा है, मतलब आप बच सकते हैं। और अभी यहाँ पे फिर से डायनासोर आ गया है, ओ भाई अभी इस बार नहीं अटकना है, कुछ भी करके यहाँ से भगाना है। तो ड्राइवर साहब भी पूरा जोश में, कैसा तो यहाँ से अभी भगा के लेके जाना है, यहाँ पे टीरेक्स तो पूरा शांत है। तो दोस्तों जैसे कि हम आगे चले जा रहे थे एग्जिट की तरफ, यहाँ पे अजीब सा कुछ एक ग्लिच हो गया, पता नहीं क्या हो रहा था, ड्राइवर साहब को थोड़ा अजीब लग रहा था और सामने कुछ दिखाई दिया उसे, और ये भाई साहब चीज कुछ तो अजीब सा कोई चीज है, पता नहीं दूसरी दुनिया का कोई ताकत है लग रहा है, और हमारी गाड़ी के एकदम सामने, और भाई साहब इससे कैसे बचे, और भाई अचानक से यहाँ पे गायब हो गया। अरे भाई ये क्या हो गया, और तेरी ये कहाँ पे पहुंच गया भाई साहब, ये कुछ और ही दुनिया है, और यहाँ पे तो बहुत अजीब सा आवाज आ रहा है डायनासोर का, ऐसा लग रहा है कि हमें, भाई ये तो कौन सा चीज है यार, ये कौन सा ताकत है। तो फ्रैंकलिन तो पूरी तरह से डर गया, अभी इस बार तो अकेला है, और ये सामने डायनासोर ये किधर तो भाग रहा है यार, ये क्या हो रहा है। तो फ्रैंकलिन को अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही है, और फ्रैंकलिन ने बहुत जोर से चिल्लाया, पर कोई यहाँ पे आवाज देने के लिए कोई मदद नहीं है। तो हमें किसी भी तरह से यहाँ से हमें एग्जिट वाला दरवाजा ढूंढना है,
कोई दरवाजा या फिर कोई इलेक्ट्रिक वाला कोई डिवाइस रहेगा, तो उसी से हमें पता चलेगा कि वो एग्जिट होगा। इस प्लैनेट का ये एक डायनासोर है जो पिक्चर में आपने देखा होगा, ये वाला डायनासोर बहुत ही शांत होता है, अपने ही काम में बिजी रहता है। और सामने ये कोई अजीब सा डायनासोर है, ये कौन सा डायनासोर देख लेते हैं। अरे ये कुछ छिपकली जैसा है और बहुत तेजी से आगे भाग रहा है, और इसके साथ यहाँ पे एक डायनासोर कुछ तो खा रहा है, और ये बहुत छोटा डायनासोर है और ये भी शांत लग रहा है। और जैसे कि आप आगे गए तो ये डायनासोर दूसरी तरफ भागने लग गया। तो दोस्तों यहाँ पे हमें कुछ भी करके हमें एग्जिट वाला दरवाजा ढूंढना है, क्योंकि अभी तो दिन है, रात को पता नहीं कितने खतरनाक डायनासोर बाहर होगा। तो यहाँ से अभी हम जाएंगे और यहाँ पे दूसरा एनिमल मिल गया हमें, ये भी छिपकली की तरह है। तो यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा डायनासोर मिल गया, ये ब्रैकोसॉरस है इस दुनिया का, आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रैकोसॉरस लिखा है। तो चलिए इसके नज़दीक चले जाते हैं। तो यहाँ पर अभी हम इस डायनासोर के बहुत पास में आ गए, और ये वाला डायनासोर यहाँ पे कुछ पेड़ खा रहा है। अरे भाई इससे बच के निकलो यार। तो यहाँ पे डायनासोर कुछ तो खा रहा है, और उसको गले को आप देख सकते हैं, खाना पूरा अंदर जा रहा है और फिर नीचे भी देख रहा है। डायनासोर क्या कर रहा है? अरे मेरे ख्याल से पानी पी रहा है। तो चलो ये डायनासोर भी देख लिया, पर हमें दरवाजा अभी तक मिला नहीं एग्जिट का। तो चलिए अभी हम ढूंढ रहे थे एग्जिट का दरवाजा कहाँ पे तो रहेगा यहाँ पे। तो ये वाला कि बहुत अजीब सा डायनासोर है, इसके पहले कभी देखा नहीं, और इसका नाम भी देख सकते हैं आप, कुछ अजीब सा नाम है। और इसके आंखें देखो भाई साहब, बहुत ही भयंकर लग रहा है ये तो। पर एक चीज़ अच्छा है कि हमें अटैक नहीं कर रहा है, सब अपने काम में बिजी है। ओ भाई, तो दोस्तों यहाँ पे बहुत देर से मैं ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं मिला फ्रैंकलिन को। भाई साहब फ्रैंकलिन बहुत परेशान हो गया है, पर ऐसा लग रहा है कि फ्रैंकलिन का ज़िंदगी इसी दुनिया में रहेगा। पर यहाँ पे कुछ नहीं दिखा है, सिर्फ डायनासोर के। अरे भाई ये क्या कुछ, अरे भाई साहब तो बहुत ही खतरनाक डायनासोर है यार। अरे किधर तो जा रहा है, इसका आवाज़ भी सुनो यार, बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है। कहाँ पे तो जा रहा है देख लेते। इसके सामने का डायनासोर देखो, इसका नाम क्या है, क्रेटोसॉरस। अरे भाई ये तो टीरेक्स से भी बहुत खतरनाक लग रहा है, और इसका स्पीड भी बहुत फास्ट है, और इसके आगे भी एक सिंग है। भाई साहब अगर ये अटैक करेगा तो बहुत ही खतरनाक होगा। तो चलिए इस डायनासोर के पास में आगे देख लेते कैसा दिख रहा है, और दिखने में तो बहुत ही भयंकर डायनासोर है, और ऊपर तो कुछ तो कर रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ तो सूंघ रहा है डायनासोर, तो दूसरा कोई डायनासोर को सूंघ रहा रहेगा अटैक करने के लिए। तो दोस्तों हमें गिव अप नहीं करना है ऐसे सिचुएशन में, पता है बहुत दूर है। अरे भाई ये कौन सा अलग डायनासोर है, कि आगे का हाथ देखो यार। अरे भाई बहुत ही फनी डायनासोर है ये तो, ऐसा लग रहा है कि इधर बहुत बिजी डायनासोर है, मतलब कहाँ पे तो जा रहा है। तो दोस्तों फाइनली हमें ऐसा कुछ अजीब सा चीज़ दिखने लग गया, ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान का बनाया हुआ चीज़ है। तो दोस्तों होपफुली यहाँ पे कुछ मिल सकता है, और यहाँ पे डब्बे भी है कुछ, तो शायद से हमें इसका दरवाज़ा यहाँ पे मिल जाए। तो चलिए देख लेते क्या चीज़ है ये। भाई चलो इस दीवार के ऊपर चले जाते हैं, और फिर देख लेते क्या है इस दीवार के पीछे। और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है भाई। अरे यहाँ पे मिल गया हमें कुछ तो, अरे ये तो एंटेना है बहुत बड़ा। तो चलिए इस एंटेना के पास चले आते हैं। तो यहाँ पर भी हमने एक अलग सा डायनासोर ढूंढ लिया है, और देख सकते हैं ये भी बहुत बड़ा डायनासोर है, और उसके ऊपर देख सकते हैं पूरा स्पाइकी करके कुछ तो है, और इसका नाम भी कुछ अलग ही है। तो चलो पास में आके देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। अरे भाई साहब ये तो बहुत सही दिख रहा है यार डायनासोर। भाई साहब इसके पहले मैंने ये डायनासोर कभी नहीं देखा, ऐसा लग रहा है कोई ड्रैगन है, और इसका पूंछ भी बहुत ही लंबा है, तो मतलब कोई अटैक होगा तो सीधा इसका पूंछ से अटैक कर सकता है या फिर आगे से। तो दोस्तों आगे जाने पे मुझे ये कुछ तो मिल गया। अरे भाई साहब यहाँ पे तो एंटीना मिल गया, तो शायद हमें हमारा लोकेशन मिल गया है दोस्तों। तो यहाँ पे कोई दरवाज़ा होना चाहिए, तो शायद यहाँ पे ट्राई कर लेते इसके आगे। भाई खुल जा सिमसिम, यहाँ पे तो हाई वोल्टेज वगैरह कुछ नहीं हो रहा। अरे ये अंदर चले गया, तो शायद यहाँ पे कुछ होगा। भाई साहब यहाँ पे तो कुछ और दरवाज़ा लग रहा नहीं है, तो चलिए वहाँ पे जाके देख लेते हैं। कुछ तो यहाँ पे दरवाजा होगा, कुछ तो जादू होना चाहिए, नहीं तो इसी दुनिया में फंस जाएंगे। अरे भाई कुछ तो हो गया यहाँ पे। अरे भाई साहब हम वापस से हमारे दुनिया में आ गए। भाई फ्रैंकलिन तो बहुत ही खुश है यार, और यहाँ पे दरवाजा भी आ गया एग्जिट का। सही यार फ्रैंकलिन, तो इस बार तो हम जाएंगे, कभी वापस नहीं आएंगे, ये ट्रिप तो बहुत ही बड़ा हो गया। तो चलिए जल्दी यहाँ से निकल लेते हैं। ड्राइवर साहब भी पूछ रहा क्या हो गया तुम्हें, हम तो यहाँ पे ही थे।
पर फ्रैंकलिन को कुछ समझा नहीं। उसे लगा कि बाकी लोग भी उस दुनिया में चले गए थे, पर यहाँ पे तो पता चला सिर्फ फ्रैंकलिन उस दुनिया में चले गया था। पर फ्रैंकलिन को बहुत ही खुशी हो रही है कि अभी वो उस दुनिया से निकल गया है, क्योंकि दोबारा कभी वो जिंदगी में डायनासोर पार्क को कभी नहीं जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर अभी हमारा स्टॉप आ गया है, तो बस कंडक्टर हमें दोबारा से इसी जगह पे अब ड्रॉप करेगा, और हमारा साइकिल यहाँ पे ही था, तो अभी चलिए घर की तरफ चले आते हैं। तो फ्रैंकलिन अभी कुछ नहीं सोच रहा, सीधा साइकिल को भगा के उसे घर जाना है, और फ्रैंकलिन बहुत ही थका हुआ है, उसे घर जाके सिर्फ अभी सोना है। तो यहाँ पे अभी मोहल्ले में पहुँच गया, तब फ्रैंकलिन को याद आया कि घर पे बहुत होमवर्क भी करना है, तो होमवर्क करके वो सो जाएगा, पर फ्रैंकलिन की मम्मी ने तो उसे बहुत डांटेगी। फ्रैंकलिन ने सोचा कि पहले चीज़ आके मम्मी को पूरा बता देगा कि क्या असल में आज का ट्रिप में हुआ, पर उसे ये भी पता था कि कोई इसे विश्वास नहीं करेगा, तो फ्रैंकलिन ये बात अपने पास ही दबा के रखेगा। तो फिर ये रात का टाइम है, तो होमवर्क होने के बाद अभी फ्रैंकलिन सो जाएगा, फाइनली एक अच्छा नींद मिलेगा फ्रैंकलिन को। तो अभी फ्रैंकलिन सो जाएगा, और फ्रैंकलिन को बहुत गहरी नींद आ रहा था। कुछ देर में नींद आते ही उसे ऐसा आवाज आया था जैसे कि कोई बड़ा चीज का पैरों का आवाज आ रहा है, और ये आवाज कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। फ्रैंकलिन ने थोड़ा इग्नोर किया, पर उसे नींद से उठना पड़ा। फ्रैंकलिन को ऐसा लगा जैसे कि वो डायनासोर पार्क में वापस आ गया है, और फिर उसे जाना पहचाना आवाज उसे सुनाई दिया, और फिर उसे वापस डर लगने लगा, और वो इधर उधर देखने लगा पर कुछ समझा नहीं। फिर अचानक से उसे कुछ दिखा खिड़की के वहां पे, भाई ये तो कुछ डायनासोर जैसा कुछ चीज लग रहा है। तो फ्रैंकलिन कुछ समझा नहीं ये कैसा हो सकता है, तो फ्रैंकलिन को लगा कि अभी भी सपने में। फिर दोस्तों उसको ऐसा कुछ नजारा देखने मिला, भाई ये क्या चीज है, अरे भाई डायनासोर यहाँ पे कैसे आ गया। तो फ्रैंकलिन को लगा कि शायद से नींद में उसने कुछ वहम देखा, तो फिर फ्रैंकलिन सोचा तो एक काम करते घर के बाहर जाके देख लेते फिर से यहाँ पे कुछ आ गया, पर ये घर के अंदर कैसे देख सकते हैं। तो फ्रैंकलिन ने सोचा चलो बाहर जाके देख लेते असल में क्या हो रहा है, पर यहाँ पे भी कुछ आ रहा है, अरे भाई ये क्या चीज है घर के अंदर, वो भी डायनासोर का पैर। तो फ्रैंकलिन जब बाहर जाके देखा तो उसे ऐसा कुछ देखने मिला, तो यहाँ पे तो पूरा डायनासोर हमारे सिटी को पूरा कब्जा करके रखा है, ऐसा लग रहा कि कोई बुरा सपना है। एक सपने से बाहर आ गया, फिर से उसी सपने में वापस, फिर अचानक से दोस्तों नींद खुल गई, और पता चला दोस्तों ये एक बुरा सपना था। और इसके साथ ही साथ फ्रैंकलिन जल्दी से घर के बाहर देखने लगा कि कोई डायनासोर दिखता है कि नहीं, यहाँ पे उसे कोई भी डायनासोर दिखा नहीं। तो ये वाला एडवेंचर यहाँ पे खत्म होता है दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, टेक केयर, दिस इज टाइटन ताज।